मार्शल जी सगन ताकत हुई जो उन पंजाबी के सिंधी अजरक टोपी पाए सिंधी बोली इख्तियार करे मुआशरे में जम थे अज 1947 का पो पाकिस्तान के ठहण का पो जदे सियासी इक्तदार इख्तियार सिंध के मानू के हथ में सिलिप थी वो असाजा नुमाइंदा सिंध जा नुमाइंदा बनने के बजाय हाकमन जो खुशामदी उन्हें सहूलतकार फैसिलिटेटर वेंदे कौम वजूद के खिलाफ कारा कानून कारा आइन पास कर असेंबली में बिल पास कर वजूद के जैसे कमजोर कंदान तो उत धारियों मू हर धारियों मू जो वतन इंद है तो वो रोजगार ला नहीं भले इकोनॉमिकल इमिग्रेंट हो जो लाहौर का आयो गुजरात का आयो गुजरान वाला का आयो या बाना वजरिस्तान बाजोड़ उनका पना की गर्ज से आयो या काबुल कंधार बरमान बंगाल का आयो उ सब चवन था सिंध से हाकमियत कर आया सिंध असो मुल्क केर थो सिंधी रोज रोज नये बुधा को चवे तो मतरूका प्रॉपर्टी मतरूका माना जेका हिंदू प्रॉपर्टी छी उन प्रॉपर्टी से कें सिंधी मानू जो इख्तियार कोने तो पंजी झुपड़ी ठाए उन जमीन के खेड़ ला सिंधी मानू जो हक कोने वह मतरूका प्रॉपर्टी उन यूपीसीपी का आयल मानू जो कानूनी आइनी हक बनजी वो इन करे रोज इसकरार सिंध की असेंबली में वेही पीपल्स पार्टी की अक्सरती हुकूमत की मौजूदगी में सभी सिंधी वजूद के ललकारन मतरूका प्रॉपर्टी खाली कर सिंधन जो इतने कराची में कुछ ना असा मेंबर साहिबान कंध हेठ कर आराम से उन धमकियों भी बुधंदा वतन दुश्मन किस्सा भी बुधंदा उन वरी को न को ठा जो रस्तों कढ़ी उन फैसिलिटेट कंदा रहन था जैसे अज सिंध जो ये हाल है आदमशुमारी ला खसूसी तौर से आदमशुमारी ला अस बोया एक 1941 आदमशुमारी साई जो मजहब के बुनियाद मजहब मजहब कुछ को उनमें कौम जो वजूद एडे ओडे सब शन अंग्रेजन की जमाने की आदमशुमारी है बी आदमशुमारी 1951 की जो पाकिस्तान छण का नेहरू लियाकत पेक थो तो हिंदुस्तान का जेके भी मानू अची चुका आया 1951 का बॉर्डर के जरिए अचन वन बंद थी वो जैसे कें मू की पुफी मासी नानी रह वही है तो वो शहरियत के कानून तौर दरख्वास्त उन मुल्क जो शहरी थी सके तो बाकी क्रॉस बॉर्डर जेका है माइग्रेशन वह बंद थी वी तो 1951 की आदमशुमारी है उनके मापे तौर अस खी सकूँ था तो कड़ो मू बुनियादी सिंध जाओ सिंध जो बुनियादी मुस्तकिल शहरी थी सके तो बाकी 81 की साई इसाक सुमर साहब तमाम समझदार पढ़े मू 81 की आदमशुमारी जनरल ज़िया के जमाने में थी जैसे भुट्टो पाक सिंधन जो एकड़ो पॉपुलर लीडर हो बहसियत लीडर के मुझा उन सभी इख्तलाफ थी सकन था वह पैं जगह से पर भुट्टो उन जमाने में सिंध जो पॉपुलर लीडर हो वो फांसी चढ़ी चुको हो उन जनरल ज़िया 81 की आदमशुमारी को इनाम के नसीर की खबर होंगी वह टेबल से वही अंगन अखर के बुनियाद से रेशो के हिसाब से आदमशुमारी ठाई वही हुई वह का हाउस काउंट को हो को फर्द फर्द की गणप कान हुई उन 81 का सिंध के माल गनीमत समझी समूरन पैंजन गदारियों कयन परावन हमले आवरी जो सिंध जो को भी बॉर्डर महफूज ना है हिंदुस्तान का मानू अचन था पासपोर्ट वी वीजा वी चाची पुफी मासी की धीरे से शादी करे पासपोर्ट इंडिया जो फाड़े इतना जो शनाती कार्ड ठही तो वे शहरी थी वन
बर्मा बंगाल जो तो हो या साइक तरखा में ठीको खणी बैठा हूं जेको 25 40 लाख जो कच्चू आबादियों ते मौजूद हन मासी में बंगाली का जलसा बिठा निसार खोड़े साहब के इन गाल जो जवाब देऊं पोंदो ए शरीफ मानू पीपल्स पार्टी में आई हर वक्त हमलन जो शिकार रहंदो आ पर ही हन जी जात सा मंसूब आहे इन करे मा इन सा मंसूब तो कया तीन हटी जे कच्ची आबादी में बंगाली जी कच्ची आबादी जो निसार सा खोड़े साहब दौरो कयो तो उते उनन सा वायदो करे आयो त आ मां तमा के शहर तयारी नम सिंध जी ए ता के शनाती कार्ड ठाराए दीदम त अदा शेम शेम के छजो गाली समझो मेहरबानी करे के की बेइज्जती करण या गाली बंद देन मतलब ना है त सवाल यो आहे त बंगाली बर्मी वेठो आहे कराची में रैलियों कढन था मुजाहरा कन था एमक्यूएम उन जे वोट जो मुकम्मल इस्तेमाल करे थी एमक्यूएम उन जे वोट जो इस्तेमाल करे थी मुआजब छतरी जे नाले में उनन जो पना दे थी उनन के इन तकड़े तकड़े आदमशुमारी मेन काउंट जी जरूरत आए त जेको आए जिथे आए डिजिटल आदमशुमारी में गणे सिंध जे मुस्तकिल शहरी में शामिल कयो नंबर 1 नंबर 2 जनरल ज़िया जी जमाने में इंकलाब अफगानिस्तान जो इंकलाब है सोर जेको कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट सोवियत यूनियन जे इन्वेड करण का पो अफगानिस्तान जे ऑक्युपेशन का पो जेके इस्लाम के नाले में अफगान मुहाजिरिन उता निकता 16 लाख मानो निकता हा अब ऑफिशियली मुहाजिर थी आया जे में उन जमाने में 9 लाख मानो के सोरा गोठ में कच्ची आबादी ठाए आबाद कयो वियो हो इहो आहे 81 जो ज़मानो जनरल ज़िया साहब जो ज़मानो ऐं मूंखे पक आहे त उहे 9 लख कोन हुआ उहे 16 जा 16 लख मर्दान पिशावर ई सभु इलाइक़ा छॾे सभु कराची जे अची सोरा गोठ जी बस्ती में आबाद थिया हाणे तव्हां एन्यूमरेटर ई वेठा आहिनि टेक्निकल एन्यूमरेटर 81 खां वठी अॼु ॾींहं ताईं 19 साल उहे 22 साल इहे हिसाब करे वठो 40 सालनि में उन्हनि घणा ॿार ॼणिया हूंदा घणा वाध वेझ थी हूंदी ऐं उहे घणा तइदाद में थी विया हूंदा मां पीपल्स पार्टी खां जॾहिं बोर्ड में 2010 में बोर्ड आई तव्हांखे ख़बर बदतरीन बोर्ड हुई अधु संद ॿुॾी वई त शिकारपुर जा कंदकोट जा कश्मीर जा लाड़काने जा जेकोबा जा माण्हू कराची में आया हुआ अची पना रोडनि ते वेठा हुआ कैंपुनि में वेठा पीपल्स पार्टी खां ख़ैरात न घुरी हुई हुकूमत खां उन्हनि पंहिंजी मज़ूरी खयऊं सब्ज़ी मंडी में टोकरी खयऊं होटल जो रेड़ो हयऊं सब्ज़ी जो गाॾो हयऊं अची वेठा उन वक़्तु पीपल्स पार्टी ऐं एएनपी जी ख़ासि गुरबत हुई छो जो बेनज़ीर साहब जी शहादत खां पोइ 2008 जी इक़्तदार जी जेका सिफ़बंदी हुई उन सिफ़बंदी में पीपल्स पार्टी एएनपी तमामु मोहबत जे महराज ते पयल हुयूं शाही सैयद बाजोड़ वाना वज़ीरिस्तान में मुशरफ़ ऑपरेशन कयो पिए त लखे माण्हू हिते आया पिए उन वक़्त असां एतिराज़ कयो त भला वाना वज़ीरिस्तान ऐं बाजोड़ खे वेझो मर्दान आहे पिशावर आहे सवाबी आहे देरा इस्माइल ख़ान आहे उते छो नथो आबाद कयो वञे जो उन्हनि खे कराची आबाद पियो कयो वञे शाही सैयद साहब फरमायो त इहे आबाद थींदा ऐं पीपल्स पार्टी खे चयूं त बोर्ड वारा जेके कर उत्तर सिंध जा धाड़ेल आया आहिनि इन खे कढो तारीख़ रिकॉर्ड आहे ही सभु जेके दानश्वर असांजा वेठा आहिनि उन्हनि सभिनी सरकार खे लिखियूं अला महिरबानी करे बैरिया टाउन खे ज़मीन ॾिनी अथव मुशरफ़ जेको आहे स्पोर्ट सिटी पिंक सिटी अला जे कहिड़ियूं कहिड़ियूं एम डी ए 40-40 हज़ार एकड़ तीसर टाउन ही हाउसवे टाउन 20-25 हज़ार एकड़ जे टाउन ठाहे वियो आहे भला तव्हांखे थोरो थिए थो हिन कहल मुसीबत में आयल सिंध लाइ तव्हां जेको आहे
बेनजीर नाले जो टाउन ठायो मलिर जिले में ठायो गुलशन अदीद में ठायो बेनजीर साबा जो नालो इस्तेमाल कयो टाउन ठाए इन बोर्ड सतायलन के एको प्लेन सिटी दियो त जिया हिकड़ी बोर्ड जा सतायल या धाड़ेलन जा सतायल बेरोजगारी जा सतायल ओए सब मानू कराची में आबादियन उन दौर जो अखबारू शायद हुंदियो कोरंगी में मलिर में सोरागोट में सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत आसू गैस या शेल हणी माइन के औरतुन के चोटिन का झेल झले मर्दन जो जंगू बाऊ भनी उनन के कढ्यो तो वणो गोठ तवा जो कराची में कुछ ना है बाजोर वाना वजीरस्तान जो मानू रही सके तो वो काउंट थी सके तो पर सिंध जो लाड़काने जो शिकारपुर जो मानू कराची में नथो रही सके तो या जेका डिजिटल जेका है एकड़ो एमक्यूएम जो किसो बुधाय मा बियो हनन नस्ल परस्त अगे असा सब सियासी लीडर बेंदा होसी बाचा खान जे फल्सफे जा पेरोकार समद खान अचक जई जा पश्तून पेरोकार ये चढ़ंदा त सिंध पे बुनियादी हक सिंधियों का हो ये अफगान जो है गैर मुल्की है बैरूनी मुदाखलत खत्म करें ये चले जाएं अपने वतन पे और पश्तून सिंधी बलोच फितरी इतादी हैं आज वो समूरा पश्तून देखा क्या देता है वो चवे थी हाँ ऐसी पश्तून ना आयो हाँ ऐसी ग्रेट अफगान आयो अहमद शाह अब्दाली वाला अफगान मदद खान पठान वाला अफगान हाँ चाहता सी ग्रेट अफगान आयो हाँ काबिल कंधार ड्यूरेंट लाइन दिसो था 100 अरब रुपया सरकार खर्च कया ये जगह ड्यूरेंट लाइन ते ने खाता तार बिछाई 100 अरब रुपया वे तालिबान चढ़े गाडियन ते वो सदी जा सदी 100 अरब रुपये की लाइन पटे छो हिकड़ो फायर भी कोन कयो वे फौजी चौकियों दिसन पयो वो गन मशीनियों सा पटन पे आई हुनन के खबर आए तई ड्यूरेंट लाइन कुछ कोने काबिल खां वठी कराची हमारा वतन है कोने अमन शाह अब्दाली तो दिल्ली ताई वे या दिल्ली ताई विंदा या ना विंदा पर कराची उन जे निर्गे में आए तो हाँ मसलो यो है तो उन्हें के या डिजिटल आदम शुमारी वारो खाए थी तो जेको नसीब खान गुल खान जुमा खान अल्लू खान सब जा सब उनमें शामिल थी विंदा आई असा सिंध में पे या ददी अक्सर तो बधाई विंदा से हाँ सवाल है तो जड़े एडियो मडियो साजिशों हुजन एडियो मडियो साजिशों हुजन तो सिंध हुकूमत की कड़ी जिम्मेवारी है जैके तमा 50 साल का सिंध हुकूमत भला बिलाल भुट्टे की जादू करी दे करे वोट तो मिले छा या जरदारी साहब डंद टेड़े खिलंदो आ डाटो फर्स्ट क्लास तरीके सा उने दे करे है छा सिंध हुकूमत ठाण लाए पीपल्स पार्टी के जिंदा रखन लाए सिंध जे समय नौजवानन फांसी खादियों गोलियों खादियों सीनन ते बमन जे धमाके में फाटी मुआ जेल भरियो जे नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध में हुकूमत आ आई उन हुकूमत जी इखलाकी जिम्मेवारी कोने तो हु अदा अस हथ खयो अस हथ खयो त तमा मोन जे दरे जी सिंध के बदतरीन सिंध ठाए गटर जो नालियों पे उथलन बोड जा मानो रोडन ते प्यान मानी जे गिरलान परेशानन 6 साल जी मासूम न्याणी का वठी 7 साल जी कुराड़ी चौक चौक ते पिने पई जे सिंधी न्याणी के असी 7 कुरानी जो दर्जो दींदा हासी न्याणी अचे एतरा में उथी बीहंदा हासी अज वो न्याणी असन चौक चौक ते पिने थी वो तमा सब ऐश कयो लंदन में महल ठायो लंदन तमा